आज की इस वीडियो देखेंगे 7th मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 26। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया होगा, टेबल फार्मूला देखे और बेसिक्स देखे थे। आज हम सीखेंगे फाइंड द वैल्यू, या किसी वैल्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करना आपको। ठीक है, तो सिंपल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया आपको, 2 raised to 10 है। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 10 है, तो आपको करना क्या, इसको 2 into 2 into 2 into, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 और 1, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। हम देखिए आगे, सो 2 को 10 टाइम लिखा, 10 टाइम क्यों लिखा, बिकॉज ऊपर पावर कितना है, 2 है, तो आपको 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1, 2, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 10 टाइम क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ऊपर पावर कितना है, 10 है। अब देखिए, अरे अब क्या करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64, आपको ऐसा करना, आपको टाइम लगेगा। तो इससे अब ईजी किससे क्या करो, सिंपल इसको पहले बनाओ। देखिए 2 2 4, फिर वापस ये 2 2 4, ये 2 2 4, ये 2 2 4, ये 2 2 4, ठीक है। हमने दो दो का एक एक पैर बनाया, और वापस ये दोनों का, ये 4 4 16, फिर वापस ये दोनों का 4 4 16, फिर अब ये दोनों का, अभी 16 6 256 इंटू 4 करना आपको, ठीक है। तो मैंने क्या पैसे डायरेक्टली 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 64, फिर 128, अब ऐसा भी कर सकते, बट ये आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। तो सब इजीली क्या करो भाई, 2 को नंबर मल्टीप्लाई, 2 नंबर मल्टीप्लाई किए लिखे, फिर ये 2 नंबर मल्टीप्लाई लिखने का, फिर ये 2 को मल्टीप्लाई लिखे, ठीक है। आपको सबको ऐसा मल्टीप्लाई लिखना है। उसके बाद देखिए, अभी 4 4 16 मालूम है, 4 4 16, ये 4, तो ये 16 6 256, और जो 4 को हम लिखे, अभी हम 256 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो देखिए 6 4 24, कैरी 2, 5 4 20 + 2, 22, कैरी 2, 4 2 8 + 2 10, तो कितना मिला आपको, 104 मिला। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिला, 2 raised to 10 इक्वल कितना मिला, 1024। तो देखिए आपको ये आंसर आ गया। तो ये आपको एग्जाम इतना आप इतना लंबा करना है, आपको सिंपल बट मेन आंसर आपको ये आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे किया, आप चाहे स्टेप देखा था आपको मैंने, इंटू 4 था, तो पहले मैं 16 किया, इंटू 4 था, तो मैं ये दोनों मल्टीप्लाई कितना मैं आपको 256 मिला, इंटू 4, इसको करने पर आपको 1024 मिला, ठीक है। तो मैंने ये कहा आपको फाइनल आंसर ए मिला, ठीक है। तो देखिए आपको आंसर क्या मिला, 2 raised to 10 का पावर क्या मिला आपको, 1024, ठीक है। तो आपको ये समझा होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए 5 to the power 3 या 5 raised to 3, तो सिंपल देखिए ऊपर पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 into 5 into 5, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 5 5 25 इंटू 5 5 5 25, तो आपको 25 into 5 करना है, तो 5 5 25, कैरी 2, 5 to the 10 + 2 12, तो आपको कितना मिलेगा, 125, जो कि आपको आंसर आ गया, ठीक है, 25 into 5, तो आपको मिला 125, क्योंकि इतना ईजी सम था, सिंपली आपको आंसर मिला। अब नेक्स्ट सम देखिए, आपके नेक्स्ट सम क्या है, थर्ड सम -7 raised to 4, मतलब -7 है, ऊपर पावर कितना है, 4 है, तो सिंपल है आपको -7 into -7 into -7 into -7, मतलब मैंने -7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो देखिए ये 7 7 49, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखना नहीं है, इंटू का इंटू, 7 7 49, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 49 into 49, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 2401 मिलेगा, ठीक है, ये आपको ऐसा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको टाइप लिखो यहाँ पर 2401, आप सिंपल आपको मल्टीप्लाई करता, ठीक है, आप किसी आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पहले से आता ही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4, अगर आपको देखना कि मैं 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 49 into 49 था, इसका मतलब ये स्क्वायर है, मतलब 49 का स्क्वायर ले सकते हैं हम इसको, तो 4 क्या था, 16,
और 9 का 81, अब 4 9 का 36 होता है, 36 लिखिए, ठीक है। अब देखिए 4 9 का कितना होता है 36, अब 36 से डबल कितना होता है 36 डबल 72 होता है, तो 1 10 कैरी 1, 6 में 7 7 और 7 14 और कैरी 1 तो 2। तो आपको ये मैंने एक ट्रिक है, ठीक है, ये क्या आपके लिए ट्रिक है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर फैक्टर, किसी नंबर जो नंबर सेम रहेगा उसका आपको स्क्वायर कैसे इजी निकाल सकते हैं, ठीक है। समझो आपको निकालना है किसका स्क्वायर 15 का, तो आपको सिंपल आपको मालूम 225 होता है मालूम है, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो नंबर अंदर है 5 1 5 5 का डबल 10, ठीक है, तो मैं यहाँ पीछे नंबर छोड़ के यहाँ पर 10 लिखूँगा, तो 5 2 और ये 2 मिलेगा, ठीक है। इससे किसी भी नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ट्रिक अप्लाई किया, आपको ट्रिक देखना, आपको इसके लिए वीडियो मैंने बनाया सेपरेट, आपको जाके वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए तो ये करना, तो इसमें क्या करूँ सिंपल, 6 को कितनी बार 3 बार -6 × -6 × -6 करूँगा, तो देखिए 6 6 36 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस इंटू में -6, अभी दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18 प्लस 2 18 प्लस 3 21 प्लस और माइनस माइनस, तो देखिए आपको आंसर क्या मिले, -6 2 3 का आंसर क्या मिला आपको 216। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग 3 है, इसका मतलब कि आपको 9 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए 9 9 81, ये 9 है देखना आपको 81 मिला इंटू में 9, तो देखिए 9 1 9 9 8 72, तो देखिए आपको ये आंसर आ गया। अगर आपको 6 में क्या गिवन है 8 2 1, मतलब 8 का पावर कितना आपको 1 है, सिंपल आपको एक बार लिखना, क्यों देखिए यहाँ पर पावर 3 था तो हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ पावर 3 तो 3 बार किए, बट यहाँ पर पावर कितना 1 है तो उसको खाली एक बार लिखेंगे, तो इसका आंसर आपका इसका आंसर ही आ गया। देखिए 7 सम में आपको क्या की बने 4 upon 5 × 4 upon 5 × 4 upon 5, इसमें मैंने क्या किया 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब देखिए तो जो नंबर ऊपर है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर नीचे उसको नीचे से मल्टीप्लाई करना है। अब सपोज कोई नंबर 4 है तो जब इस 4 × 4 × 4, तो ये क्या होता है 4 4 16 16 × 4, तो 16 × 4 क्या करें आप लोग लिखो, तो 4 6 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 1 4 + 2 6, 16 4 64, मैं आपको सिंपल ऊपर क्या मिलेगा 64 मिलेगा, मतलब मैं अगर ये तीनों 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 64 मिलेगा। अब नीचे क्या है पूरा 5 5, तो 5 × 5 × 5, तो 5 5 25 25 5 125 होता है, हमने लास्ट समय देखा था, तो मैं नीचे क्या मिलेगा 125, मतलब अगर मैं ऊपर ये 4 को मल्टीप्लाई करूँ ऊपर तो 1 क्या मैं 64 मिलेगा, और नीचे 5 को 3 बार करूँ तो क्या मैं 125 मिलेगा। तो आपको ये आंसर आया, जो कि एक समय लास्ट क्या है आपको -1/2 to the power 4, जब -1/2 है ऊपर पावर 4 है, तो सिंपल -1/2 × -1/2 × -1/2। अब देखिए 1 को कितनी बार मल्टी अपन से सेम मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो देखिए ये इसमें ऊपर ऐसा लग -1 × -1 × -1 × -1, तो देखिए 1 1 1 माइनस माइनस प्लस खत्म, 1 1 1 माइनस प्लस खत्म, तो ये वापस 1 1 1 ही मिलेगा, मतलब आपको ऊपर ये सबको अगर मैं सबको मल्टी करूँ मुझे ऊपर क्या मिलेगा, मुझे ऊपर 1 ही मिलेगा। अब यहाँ देख सकते 1 कैसा आंसर, आंसर देखिए 1 1 1 माइनस माइनस प्लस ये हुआ, फिर ये दोनों ये 1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर जब ये दोनों मल्टीप्लाई तो मुझे 1 ही मिलेगा, तो मैं ऊपर क्या आएगा खाली ऊपर 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा नीचे क्या है 2 × 2 × 2 × 2 है, 4 2 है, तो 2 2 4 2 2 4 4 4 16। अब ऐसा करो या फिर आप 2 2 4 4 2 8 8 2 16, अब ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपकी मर्जी, जब डायरेक्ट करो तब नीचे पहले बनाए आपकी मर्जी, नीचे क्या मिले आपको 16 मिलेगा। तो बस देखिए कितना इजी है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू, मतलब आपको इसमें वैल्यू फाइंड करना है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको वापस नीचे ही बताऊँ सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।